दोस्तों नमस्कार। जब भी कोई लड़की या महिला अपना जाति का सर्टिफिकेट तैयार करती है तो उसे पटवारी द्वारा माइका रिपोर्ट दी जाती है। उसको हम एमएस वर्ड में किस प्रकार से तैयार करें, आइए सीखते हैं इस वीडियो से। दोस्तों सबसे पहले आप एमएस वर्ड ओपन कर लें। इसके लिए आप लिखेंगे वर्ड और इसके बाद वर्ड ओपन हो जाएगा। वर्ड ओपन करने के बाद आपने टाइप करना है पेज के बिल्कुल बीचों बीच माइका रिपोर्ट, और हिंदी में लिखने के लिए हमने श्रुतिदेव 010 फॉन्ट चूज किया है। इसके बाद आप एंटर करके नीचे आएंगे और यहां लिखेंगे श्रीमान जी, कॉमा लगा के अगली लाइन में आप आएंगे, टैब करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती, उसके बाद आप खाली स्पेस छोड़ेंगे। यहां पर जिस भी महिला की माइका की रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं उसका नाम आएगा, उसके बाद पुत्री लिख करके उसके पिताजी का नाम, फिर उसके दादा का नाम और उसके बाद आपको लिखना है निवासी, गांव करके आपने गांव का नाम लिखना है जो जहां पर उसके मायके में उसका गांव था, और फिर वहीं आपने डाकघर डालना है। तहसील लिखनी है मायके की और उसके बाद हिमाचल प्रदेश से हम जुड़े हैं तो हम हिमाचल प्रदेश लिख रहे हैं, आप अपने राज्य का नाम लिखें। फिर उसके बाद आप लिखेंगे की निवासी थी, फिर उसके बाद मुताबिक जमाबंदी मोहाल, और यहां पर आपने मोहाल का नाम लिखना है जिस मोहाल से महिला जुड़ी है, और साल लिखना है जिस वर्ष की जमाबंदी के अकॉर्डिंग यह रिपोर्ट तैयार होनी है, उस वर्ष को यहां लिखना है। के अनुसार आवेदिका के पिता की जाति व गोत निम्नलिखित है, कॉलन लगा के अगली लाइन में आए। यहां पर आपने मोहाल और उसके बाद स्पेस दे करके मोहाल के लिए स्थान छोड़ देना है, और नकल सजरा नस्ब, यहां जाति लिया, उसके बाद आवेदिका के दादा का नाम, यह हम एक ड्राइंग तैयार करेंगे जो पटवारी द्वारा तैयार की जाती है, फिर उपजाति, और उसके बाद आवेदिका के पिता का नाम, आखिर में होता है रिपोर्ट तैयार करके सेवा में प्रेषित है। यहां पर आप ग्रामीण राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर और उनकी मोहर लगाएंगे, और उसके बाद इस प्रकार से एक ड्राइंग तैयार करेंगे। ये नकल सजरा नस्ब तैयार की गई है, यहाँ आवेदिका का नाम आएगा, यहाँ उनके पिता का नाम आएगा और यहाँ पर उनके दादा का नाम आएगा। यहाँ उनकी जाति लिखी जाएगी जो पटवारी आपको रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग प्रदान करेगा, उपजाति लिखी जाएगी। दोस्तों ये वाली जो रिपोर्ट है जाति के सर्टिफिकेट को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बहुत से लोगों को इसमें बहुत सी दिक्कत आती है, आप इसको इस प्रकार से तैयार करके ले जाएं, इस पेपर को प्रिंट आउट करके आप पटवारी के सामने प्रोड्यूस करें, वह इसमें मात्र आपका थोड़ा सा डेटा भर के फटाफट आपकी जाति की रिपोर्ट आपको प्रदान करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।